नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्टू के राज्यव्यापी आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर गया जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्यालय के समक्ष हुआ रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन। रसोईया के सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सभी स्कूल में रसोई गैस की सुविधा और रसोइयों को मान सम्मान दिया जाए और डराने धमकाने के साथ साथ रोजगार से बेदखल करने की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गया गांधी मैदान से चलकर काशीनाथ मोड़ होते कचहरी रोड डीएम कार्यालय होते हुए आक्रोश रोषपूर्ण मार्च निकाला और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। धरना में वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीयकृत रसोई घर का टेंडर को रद्द करना होगा, रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 28,000 मानदेय भुगतान करना, रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करें, कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को खाना बनाने वाली रसोइयों के बकाए का भुगतान करें, रसोइयों से विद्यालय में किचन में भोजन बनाने के शिवाय अन्य कोई भी निजी कार्य पर रोक लगाएं और सभी रसोइयों को मानदेय की राशि समय पर भुगतान करने की मांग की और रसोइयों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिले भर के सभी लगभग स्कूल में हेडमास्टर करते हैं रसोइयों के साथ बदसलू की और झाड़ू बाथरूम की सफाई के लिए करते हैं मजबूर। इसे जल्द से जल्द सुधार की जाए, अगर सुधार नहीं हुआ तो होगा और तेज आंदोलन। हम लोग रसोईया संघ से हैं और बहुत मेहनत से और अति से बनाते हैं खाना और बच्चे लोग को खिलाते हैं। हम लोग को ऊपर बहुत हेडमास्टर ने दबाव करता है, दबाव में रहकर हम लोग खाना बनाते हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग के दबाव नहीं चाहिए और एनजीओ तहत खाना जो बनने के लिए अति हुआ उसको हटाया जाए। और हम इतने कह के, यदि आपकी सरकार बात नहीं मानती तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। पिछले बार भी आप लोग आंदोलन किए थे तो पिछले बार भी आंदोलन किए थे और अभी भी आंदोलन चालू रखेंगे और संगठन बनाकर अपना लेकर और वहाँ उनको ऊपर आंदोलन चालू, मतलब आप अपना हिस्सा लेके छोड़ेंगे। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एकटू का प्रदर्शन है पूरे बिहार में और इसमें मुख्य मांग जो हमारी है कि अभी सरकार ने एक फैसला लिया है, कि केंद्रीकृत रसोई घर बनेगा, यानी एक जगह खाना बनेगा ठेकेदार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, और 3 किलोमीटर के रेंज में खाना परोसा जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो रसोइया काम कर रही हैं, जो खाना बनाकर खिला रही हैं और ताज़ा ताज़ा जो खाना बना रही हैं खिला रही हैं, उस पर छटनी का तरवार आएगा, उसकी संख्या कम की जाएगी और उसकी छटनी की जाएगी। एक ओर सरकार कह रही है कि हम 40,000 का रसोइया को बहाल करेंगे और दूसरी ओर ये एनजीओ को देकर खाना बनवा रही है, तो यह इनकी जो दोगली नीति है उसके खिलाफ। और उसके बाद आप लोग इसके पहले भी आए थे और इसके पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और 1650 रुपया मात्र इनको मानदेय मिलता है महीना में, 1650 रुपया 12 महीना मिलना चाहिए, 12 महीना ये काम करती हैं, 10 महीना का इनको मानदेय मिलता है। अब आप 1650 में इस महंगाई में क्या कर सकती हैं, जबकि 8 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में ही रहती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, उसके बाद किचन साफ करती हैं, तब घर जाती हैं। एक सवाल, एक जगह खाना बनेगा 3 किलोमीटर तो बटेगा, तो खाना तो दूषित भी हो सकता है। हाँ, दूषित होगा, निश्चित होगा, इसलिए और हुआ भी है, और हुआ भी है, आपने देखा है दरभंगा में बिछौती मिला, जमुई में छिपकली और मिला, कहीं कहीं तो जहर भी विष भी मिला जिससे बच्चे बीमार पड़े, बच्चे मरे, तो यह तो निश्चित है। और एक बात और निश्चित है कि जब एक जगह खाना बनेगा तो वो खाना सुबह से शुरू होगा बनना, क्योंकि स्कूल 3 किलोमीटर के रेंज में स्कूल में देना है खाना, तो सुबह से तैयारी करेंगे और 12-1 बजे से खाना बना परोसना शुरू करेंगे, तो निश्चित है कि वो खाना ताज़ा नहीं रहेगा। तो एक तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, बच्चे को बीमारी होगा, बच्चे मौत के शिकार होंगे, और दूसरी कि इसमें सब गरीब गुरबा के बच्चे हैं, अगर बड़े के बच्चे होते तो सरकार को ज़्यादा चिंता होती कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन गरीब गुरबा के बच्चे हैं इसलिए गरीब गुरबा मरे उसकी चिंता सरकार को नहीं है। तो क्या इसमें भी राजनीति चल रहा है क्या? वो राजनीति तो है ही, राजनीति ये चल रहा है कि जब एनजीओ से खाना बनेगा तो एनजीओ का टेंडर होगा, उसमें कमीशन खाएंगे ही,
ज्यादा से ज्यादा पैसा इनको आएगा कमीशन में। यह आंदोलन हो रहा है बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ की ओर से। मुख्य जो हमारा पहला नारा है, केंद्रीय रसोई को टेंडर के हवाले नहीं किया जाए, इससे लाखों रसोईया वो बेरोजगार हो जाएंगी। और जो अभी बच्चों की उपस्थिति पूरे जो विद्यालय में भारत में दिख रहा है, वो रसोईया दीदी के कारण से ही बच्चे ताज़ा ताज़ा खाना खाते हैं, और इसी लालच से बच्चों की उपस्थिति सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति है। इसलिए पहला नारा है कि इसे रद्द किया जाए, ये भारत सरकार का जो योजना आया। दूसरा जो हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जिस देश का मजदूर कानून यूनियन कह रहा है कि किसी भी मजदूर को 28,000 से कम इस देश में नहीं दिया जाए, इस महंगाई को देखते हुए, लेकिन आज के भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में कहीं 3,000 कहीं 5,000 और बिहार में तो हद है, मात्र 1,650 मिल रहा है, वो भी संघर्ष के बदौलत, और उसमें भी 12 महीना के जगह पर 10 महीना। तत्काल इसे खारिज किया जाए और 28,000 मानदेय हम लोग को देना चाहिए इस महंगाई में। तीसरा जो मांग हम लोग कर रहे हैं कि आज भी रसोईया को जो काम की है रसोईया दीदी, कोरोना काल में सारे लोग घर में बंद थे और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, और भारत का रसोईया दीदी खाना बना करके, चाहे बिहार में हो विभिन्न राज्य में हो, खाना बना करके खिलाई हैं, उन्हें मजदूरी नहीं दिया गया है। और इसमें इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, इस बार जो चुनाव होगा 24 का, उस चुनाव में रसोईया दीदी इस मोदी सरकार को नारा दिया है कि भाजपा भगाओ और महिला सशक्तिकरण का नाटक नहीं चलेगा। आज हम देख रहे हैं जो भी ठेका में काम कर रही है मानदेय में, वो चाहे आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, आशा हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, ये लोग लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं देखा जा रहा है। अन्याय किया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय इतना हो रहा है कि आपने देखा कि किस तरह से रसोई गैस के नाम पर कहा गया कि हम सबको देंगे ये सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी के नाम पर 1,250 रसोई का गैस का दाम हो गया। हम लोगों ने देखा किस तरह से चुनाव आया है तो 200 रसोई गैस का दाम बढ़ गया, कम गया है।